नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने आज थंबनेल में देखा ही है, आज हम रिव्यू करने वाले हैं हिमालय के इस फेस वॉश के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस फेस वॉश के बारे में सब कुछ, इसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, इसके सारे स्पेक्स, साल एमआरपी, इसका वेट क्या सा है, ये तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो स्किप ना करें और अंत तक इन्जॉय करें इस वीडियो। मुस्कुराइए, जी हाँ मुस्कुराइए दोस्तों, आप हैं दी ओम रिव्यू क्रिएशंस, बिकॉज वी क्रिएट रिव्यूज फॉर योर स्माइल। जी हाँ, हम बनाते हैं रिव्यूज आपकी मुस्कुराहट के लिए। तो बाकी फ्रेंड्स कुछ नहीं, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको वीडियो मिले। तो आज फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आज हमारे पास है हिमालय मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश। ये एलोवेरा फेस वॉश हमारे पास है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बिल्डिंग क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी बिल्डिंग क्वालिटी आपको हिमालय नीम फेस वॉश के बारे में देखने के मिल लगेगी। जैसा नीम फेस वॉश है वैसी सेम पैकिंग इसकी है। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है हिमालय नीम फेस वॉश की, तो इस पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक प्रोवाइडेड है, आप प्लीज़ उसको देखिए ताकि आप भी उसके बारे में जान पाएँ। तो इसकी फिर से वही मैं बताता हूँ, मैं बिल्डिंग क्वालिटी को मैं एवरेज मार्क्स दूँगा 10 out of 8, 9 इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी क्वालिटी और बेकार का कैप बहुत बेकार है। आप इसको अगर कहीं कैरी करते हैं तो मुझे डर लगता है इसकी जो कैप की क्वालिटी है लीकेज ना कर जाए। तो फ्रेंड्स बाकी आगे बढ़ते हैं, ये किसके लिए है? तो ये स्पेशली इन्हें बनाया है वुमेंस के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वुमेंस के लिए है, यानी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए ये उन्होंने फेस वॉश बनाया है। अब बात करते हैं इसके की इन्ग्रीडियंट्स की। इसके की इन्ग्रीडियंट्स दो हैं, एक एलोवेरा जो कि इसके नाम में ही है, और दूसरा कुकुम्बर। जी हाँ, आप बता ही, इसका मैन्युफैक्चर हिमालय है जो कि नेचुरल चीज़ों से अपने प्रोडक्ट बनाता है। तो ये दो नेचुरल चीज़ें एलोवेरा और कुकुम्बर आपको यहाँ दिख रहे होंगे। एलोवेरा और कुकुम्बर यानी खीरा, और एलोवेरा मतलब गुआर का पट्टा। जी हाँ, इन दोनों चीज़ों से ही मिलकर बना हुआ है। दोनों की बहुत ही अच्छी क्वालिटीज इसमें दी हुई है। जैसे आपको पता है एलोवेरा में विटामिन ई मिलता है, जिससे हमारे चेहरे को, और विटामिन ई से हमारा चेहरा काफ़ी अच्छा और हमारी स्किन काफ़ी अच्छी रहती है। बाकी जो कुकुम्बर है वो भी हमारी आइज के लिए, आँखों के लिए काफ़ी अच्छा है और हमारे चेहरे के लिए काफ़ी अच्छा है, इसलिए ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा है। इसके रिव्यूज़ मैंने कई दिनों से लिए हैं। अब हम बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, आपको इसका कैप को खोलना है। इसके कैप को खोल के आपको अपने हाथ पर लेना है, रब करना है, फेस को वेट करना है, और फेस पे अप्लाई करके फेस को एक मिनट मसाज करने के बाद धो देना है। इसके बाद करें इसमें कैसा निकलता है, तो इसमें कुछ मिल्की टेक्सचर सा निकलता है, ना जेल है ना ही आपका सिंपल इमल्शन टाइप को मैं कह सकता हूँ, उस टाइप का इसमें कुछ निकलता है। और आपको बता दूँ फ्रेंड्स, अब इसके रिव्यू के बारे में, लोगों ने इसका क्या रिव्यू दिया। तो लोगों के अनुसार ये काफ़ी अच्छा उनको लगा, क्योंकि ज़्यादातर ये मैंने जिनको दिया था वो सब फीमेल्स थी, क्योंकि ये फीमेल के लिए ही बना हुआ है। तो उनका रिव्यू काफ़ी अच्छा आया, उन्होंने कहा हमारा चेहरा काफ़ी मॉइस्चराइज दिया था। जी हाँ दोस्तों, इसको रिव्यू करने के लिए मैंने ठंडों में दिया था, और आप देख सकते हैं मैं समय वीडियो गर्मी बना रहा हूँ, तो मैं जो भी वीडियो रिव्यू कराता हूँ सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूँ, मैं सब कुछ अपने सामने यूज़ करने के बाद, यूज़ करवाने के बाद रिव्यूज़ लेता हूँ, फिर आपको रिव्यू देता हूँ, मैं हवा में तीन नहीं छोड़ता। जी हाँ दोस्तों, मैंने ठंडों में दिया था उनको यूज़ करने के लिए, और उनके रिव्यूज़ मेरे पास आए। आप चाहें तो उनकी, अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो अपने चैनल पर मैं रिव्यूज़ की वीडियो भी डाला करूँगा, जिन जिनको मैंने यूज़ करने को दिया उनकी शॉर्ट वीडियो बना के मैं वो डाला करूँगा, ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ मैं सही रिव्यूज़ देता हूँ। तो फ्रेंड्स बस सपोर्ट करिएगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और कुछ आपको और नया दे सकूँ। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो इसकी जो अंदर फेस वॉश है वो काफ़ी अच्छा लोगों को लगा, क्योंकि इसमें विटामिन ई है, विटामिन ई इनरिच्ड है, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी में इसमें विटामिन ई है, जिसकी वजह से चेहरे को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, और ठंडों में बहुत अच्छे से आपके चेहरे को मॉइस्चराइज रखता है। गर्मियों में यूज़ करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये मॉइस्चराइज फेस वॉश है, गर्मियों में वैसे ही हमारा इतना ऑयल है, पसीना बहता रहता है, और अगर आपने ये लगा लिया ना तो आप और परेशान हो जाएंगे, और ज़्यादा पसीना आएगा, और ज़्यादा ऑयली स्किन होगी, और पिंपल्स भी आपको हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात ये ठंडों के लिए है। इसकी क्वालिटी जो है अंदर की फेस वॉश की काफ़ी अच्छी रिव्यू मुझे मिली है, और काफ़ी लोग इसके यूज़ से खुश हैं। बाकी फ्रेंड्स आपको मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, इसकी बिल्डिंग क्वालिटी को, इसके ट्यूब की क्वालिटी को मैं दूंगा 10 out of 8। इसके बाद इसके तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको फिर से इसके
जो भी मेरी रेटिंग्स थी वो मैं आपको दोबारा गिनवा देता हूँ। रिव्यूज के सबसे क्या रेटिंग आई मेरे पास, सबसे पहले इसकी ट्यूब क्वालिटी की रेटिंग आती है 10 out of 8, बहुत ही बेकार ट्यूब क्वालिटी है, कुछ मेरे हिसाब से इतना खास नहीं है, एवरेज क्वालिटी है। फिर इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ इसके प्राइस के बारे में, प्राइस के हिसाब से रेटिंग आई इसकी 10 out of 9, एवरेज प्राइस। ये 100 ml का पैकेज है, 100 ml का पैकेज के लगभग 150 रुपये करीब इसकी अप्रोक्स आती है कॉस्ट, जिसके हिसाब से ये एवरेज है, तो 10 out of 9 देता हूँ मैं। इसके बाद इसके जो अंदर मटेरियल है, जो फेस वॉश है, उसकी मेरे को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए, जिसके लिए मैं उसको 10 out of 9.5 देना चाहूँगा, क्योंकि इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आए मेरे पास, जिनको भी दिया मैंने हर किसी ने इसकी तारीफ करी है। बाकी फ्रेंड्स क्या बताऊँ मैं आपको, ओवरऑल इसकी कैटेगरी में अगर मैं और लोगों से ये कंपेयर करता हूँ, तो इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूँ कि हमें नेचुरल प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए, इसलिए ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए और मैं इसको 10 out of 10 इसमें नेचुरल प्रोडक्ट ही देता हूँ। बाकी फ्रेंड्स आपके सामने है सब कुछ, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो अपने पास रिटेल शॉप पर जाएँ, नहीं मिला तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, तो आप लिंक पर क्लिक करके इसको खरीद सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स एक बार इस्तेमाल करिए, फिर सब पर विश्वास करिए। और क्या कहना चाहूँगा मैं दोस्तों आपसे, इतना ही कहना चाहूँगा आपसे, फिर मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक मेरा इंतज़ार करिएगा और अपने आप को सेफ रखिएगा। जैसा कि लॉकडाउन का समय है, आपको पता है, तो लॉकडाउन में बहुत तकलीफें हैं, मैं इस समय देख रहा हूँ चारों तरफ ही बहुत तकलीफें फैल रही हैं, तो अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रहें और हमारी भारत सरकार को सहयोग करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।